हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग टेंशन ले रहे हैं TCS वगैरह की, तो इस वीडियो में आपको थोड़ी रिलीफ देने की कोशिश करूँगा आपकी टेंशन से। और जानता हूँ काफ़ी लोगों के अब तक इंटरव्यू भी नहीं होंगे, और काफ़ी बंदों को HR इंटरव्यू देने के बाद ईमेल तक नहीं आया हुआ, पर उसी चीज़ से मैं आपको थोड़ी रिलीफ देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहना एंड तक। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको मैं अभी एक ऐसे कैंडिडेट का कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रा एंड तक देखना और ध्यान से सुनना। तो वो कहता है कि आई हैव रिटन एग्ज़ाम ऑन 2020 अक्टूबर 24 एंड गॉट 69.9% इन एप्टीट्यूड, 69.9% इन एप्टीट्यूड एंड 1% इन प्रोग्रामिंग बिकॉज ऑफ पाइथन कंपाइलर इंडेंटेशन कन्फ्यूजन। आई यूज टैब इंस्टेड ऑफ 4 spaces, दे सेंड मी ईमेल फॉर इंटरव्यू। उसके बाद उसने कहा कि मैं भी वेट कर रहा हूँ ईमेल, मतलब इंटरव्यू की उसका टाइमिंग का। फिर उसने कहा है, अपडेट दिया है दोबारा से कि आई गॉट द ऑफर लेटर फॉर TCS 3 मार्च, मतलब कि उसके 69% आए थे एप्टीट्यूड में और सिर्फ 1% था प्रोग्रामिंग में, फिर भी उसके बाद भी उसे ऑफर लेटर मिल गया TCS का, वो भी 3 मार्च को। और उसने एग्ज़ाम कब दिया था अपना, अक्टूबर 24 को 2020 में, 2020 में अक्टूबर 24 को उसने अपना एग्ज़ाम दिया, और 2021 में मार्च में जाके उसे ऑफ़र लेटर आया इतने महीनों के बाद। और आप ये फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हो, और अभी तो आपको 15-20 दिन हुए इंटरव्यू दिए हुए, और फिर भी मतलब 69% लाने के बाद भी उसका सिलेक्शन हो रहा है। आप ये देखिए ऑफ़र लेटर आ रहा है उसे, तो उसके पास ऑफ़र लेटर आता है 3 मार्च को और ज्वाइनिंग लेटर आता है 9 मार्च को। और वो बाद में बताता है कि उसकी जो ज्वाइनिंग डेट निकल के आ जाती है वो है 18 मार्च की, लगभग उसे लग जाता है 2.5 मंथ्स का टाइम, मतलब 2.5 महीने के आसपास का टाइम लग जाता है इस पूरी प्रोसेस को होने में। और बाद में वो लिखता है कि फॉर सम पीपल इट माइट टेक लेस टाइम बेस्ड ऑन TCS बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, कट ऑफ माई चेंजेस फ्रॉम एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, प्लीज़ यूज दिन इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंस पर्पस ओनली। तो दोस्तों, आपको एक आइडिया हो गया होगा मतलब कि कितने टाइम बाद मतलब ये पूरी प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, और कितना ज़्यादा टाइम लगता है हद से हद। और अभी आप देख ही रहेंगे मतलब काफ़ी बंदों का रिजल्ट आना स्टार्ट भी हो चुका है और आपका भी आ जाएगा, और बस आशा करना कि आपको 2.5 महीने का टाइम ना लगे, कि वो बहुत ज़्यादा होता है। और जानता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला हुआ है सुन के। आप खुद देखिए, जिसके 69% आ रहे हैं फिर भी उसको सिलेक्शन हो जा रहा है, और सिलेक्शन का मेल आ जा रहा है ऑफर लेटर वगैरह का, पर 2.5 महीने के टाइम के बाद, तो कितना मतलब अच्छी बात है। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल नेक्स्ट, स्टे सेफ, स्टे ऑसम।